मोहसिन आप इतने अच्छे एक्टर हैं, हमने देख भी लिया, नाज़रीन ने भी देख लिया, तो कभी सोचा नहीं कि प्रोफेशनली इसको ज्वाइन किया जाए? हालो बूटा, वहां पे जाओ और उसको लेके आओ। सलाम सर, सर राइट हो गया सर, सर राइट हो गया सर। मुझे ये एक अच्छा सेफ सिटी की तरफ से प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मेरी आईटी की जो डिग्रीज हैं वो भी यूज़ हो गई, और जो मेरे अंदर एक जज्बा था, जो मेरे अंदर एक जोश था, वो भी मैंने इम्प्लीमेंट करके तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सर्विस ज्वाइन की मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली राना, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने मॉर्निंग शो में बहुत से टैलेंटेड लोगों को इनवाइट करते हैं, ऐसी एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर राना मोहसिन आफ्ताब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मोहसिन, ये मुझे बताएं कि आप पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ऑन जॉब हैं इस वक्त, इसके अलावा आपने एमए एजुकेशन किया, एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की, इसके साथ ही साथ आपने एमफिल कंप्यूटर साइंसेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, ये मुझे बताएं कि ऐसा क्या जज्बा है कि आप इल्म की तलाश में अभी तक हैं? इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान को जहां से मिले, जब भी मिले, आप उसको हासिल कर लें। तो एमए एजुकेशन की जो स्पेसिफिकली डिग्री है वो करने की वजह ये थी कि ये जो इल्म मैंने हासिल किया, मैं ये चाहता था कि मैं आगे भी लोगों को ट्रांसफ़र करूँ, तो उसके लिए फिर मेरे पास ज़रूरी था कि मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक्स वाली डिग्री हो जो मुझे बता सके कि मैं इल्म को आगे कैसे बढ़ा सकूं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मुझे एक शौक़ था, एक जुनून था कि मैं डिफरेंट जो है लिंक अप करके तालीम को लिंक अप करके उस डिग्रीज़ को हासिल करूं और देखूं कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो पढ़ाई जाती हैं। एजुकेशन आपने बताया कि इतनी सारी डिग्रीज लीं, और उसके बाद फिर आपने पुलिस को ज्वाइन कर लिया, कि पुलिस फोर्स किस तरह से ज्वाइन की? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो फोर्सेस से है, तो जब मैं छोटा सा था तो मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं लोगों की मदद करूं, उनको हेल्प करूं, तो मैंने ये प्लेटफॉर्म ढूंढा। मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें रहकर मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूं, उनकी हेल्प कर सकता हूं, पब्लिक इंट्रैक्शन कर सकता हूं। तो उस हवाले से फिर मुझे ये एक अच्छा सेफ सिटी की तरफ से प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मेरी आईटी की जो डिग्रीज़ हैं वो भी यूज़ हो गई, और जो मेरे अंदर एक जज्बा था, जो मेरे अंदर एक जोश था, वो भी मैंने इम्प्लीमेंट करके तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सर्विस ज्वाइन की मैंने। मोहसिन, तालीमी कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन आपने एक्टिंग की फील्ड में भी झंडे गाड़े हैं, इसका क्या राज है? एक्टिंग का बेसिक मकसद ये था कि आपकी वजह से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ सके। तो अगर कोई मुझसे कभी ये पूछे कि आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट क्या है, तो मैं ये बड़े खुश दिली से, ये दीदा दिली से ये बता सकता हूँ कि मैंने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाई है। और ये अमल एक ऐसा अमल है जिससे दुनिया में आपको अंदर से इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। तो एक्टिंग का सिलसिला और डिबेटिंग का सिलसिला ये 1995 से जारी रहा। और फाइक, आपको पता है इनका एक बड़ा फेमस करेक्टर रहा, इन्होंने सेफ सिटी में 14 अगस्त के हवाले पे जो हमारा फंक्शन हुआ वहाँ पे भोले का एक किरदार बड़ा जबरदस्त निभाया, और वो अब तक हमें याद है, और मैं भी इनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ उस भोले के, हम सब बहुत फैन हैं। तो आज हमारे नाज़रीन को राना इस प्लेटफॉर्म से बताएं कि क्या था वो भोला और क्या किरदार निभाया? क्योंकि भोला करेक्टर हमने पहले कभी नहीं देखा कहीं, तो किस तरह से आप फील लेकर आते हैं? क्योंकि एक्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको फील लेकर फील में जाना पड़ता है, और वो एक्ट को निभाने के लिए आपको पता है पुलिस की जॉब है, इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, 8 घंटे 12 घंटे लोग यहाँ पे थके होते हैं, और लेकिन उनका जो मिशन है कि लोगों की मदद करनी है, वो जारी हाई रहता है, मोराल उनका हाई रहता है। तो उसके बाद मैंने एक ऐसा किरदार अदा करने की कोशिश की जिसमें मैं एक भोला सा पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर बना, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, और आज तक उसको लोग जो है वो पहचानते हैं, जानते हैं। आपने पुलिस से मुतालिक भी एक मजाह से भरपूर किरदार अदा किया, वो आप जब कर रहे थे तो मैंने उसे बहुत एंजॉय किया, तो हम चाहेंगे कि नाज़रीन को आप वो करके दिखाएं कि वो क्या किरदार था। उसमें बेसिकली ये था कि पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिन फोर्स है, यहाँ पे हुक्म मानना ऐसे है जैसे हरफे आखिर है, चाहे वो दहशतगर्दों के सामने सीना तान के खड़ा होना हो, चाहे वो किसी नाके पर 12 घंटे की ड्यूटी देना हो, चाहे वो एक छोटा सा ऑर्डर ओबे करना हो। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको किरदार अदा करके दिखाता हूँ कि एक सीनियर है वो किस तरह से अपने जूनियर को ऑर्डर देंगे, और फिर जूनियर किस तरह से वो उनका जो ऑर्डर है वो हुक्म करेंगे उसको। तो अब जैसे सीनियर हैं वो कॉल कर रहे हैं, हालो बूटा, वहां पे जाओ और उसको लेके आओ, समझ आ गई? अब ये सीनियर ने ऑर्डर दे दिया।
अब जूनियर है, अब उसने पहले देखना है कि फोन पे उसको सीनियर की कॉल आ रही है, अफसर की कॉल आ रही है, अफसर की कॉल है, उसने क्या करना, उसने पहले अपनी वर्दी सही करनी है सबसे पहले, ठीक है, अपनी टोपी सही, दाढ़ी मूछे सब सही। अब उसको 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 डर पड़ जाएगा, वो समझेगा कि बस पुलिस जो मेरा सीनियर है वो मेरे सामने है, वो बिल्कुल जो है ना कांपने लग जाएगा, ऐसे ऐसे उसके हाथ कांप रहे होंगे, बस वो फोन उठाएगा, अस्सलाम वालेकुम सर, सर राइड हो गया सर, सर राइड हो गया सर। अब वो ऑर्डर करने चला गया, उसने नहीं पूछा मैंने किसको लाना है, क्यों लाना है, कहाँ से लाना है, बस उसने उसको ऑर्डर दे दिया। अब थोड़ी देर बाद वो समझेगा भी क्या हुआ है, समझ नहीं, फिर दोबारा फोन करेगा, अस्सलाम वालेकुम सर, सर वहाँ गए सर, सर वो नहीं मिला सर, अस्सलाम वालेकुम सर, बस ये फोन बंद हो गया। आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट भी हासिल किए एक्टिंग के हवाले से अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उस हवाले से बताएं कि वो क्या सर्टिफिकेट्स थे हमारे नाज़रीन को आज, कि क्या क्या आपने अचीवमेंट्स हासिल किए एक्टिंग करियर में। स्कूल लाइफ से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ, मेरे टीचर्स ने मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए, स्कूल के प्लेज होते थे, एनुअल प्लेज होते थे, उसमें मैं पार्ट लेता था, और अमूमी तौर पे मुझे एक पागल बच्चे का किरदार अदा करने को कहा जाता था, जो कि बहुत मुश्किल, जो बहुत मुश्किल होता है, और लेकिन मैं जो है वो अदा करता था। तो स्कूल में भी किए, कॉलेज में भी किया, इस तरह पागल बच्चे का किरदार किस तरह से करते थे। पागल बच्चा बेसिकली एक छोटा सा शो था, उसमें मैं एक डॉक्टर, 10 रुपए क्लिनिक मेरे स्कूल में शो हुआ था। अच्छा। उसमें मैं जो क्लिनिक का जो कंपाउंडर था उसका मैं छोटा भाई था, तो वो जैसे ही कोई क्लिनिक में उसको बंदा देखने आता तो फिर मैं उसके साथ क्या करता था, जैसे पहले वो एंटर हो रहा है वो सामने से, तो उसको देख के मैं हंसना शुरू कर देना, ऐसे करके मैं हंसना शुरू कर देना उसको देख के। उसके बाद जैसे वो आगे बैठा है, कभी उसके कान पे जाके कुछ कर देना, कभी उसके नीचे से चेयर के नीचे से जाके उसकी बोतल पी लेनी, उसको छेड़खानी करना, इस तरह करके। तो ये किरदार था जो मुझे, तो ये किरदार निभाने के लिए क्या वो उन एक्टर्स को या जो भी आप बता रहे हैं, जैसे आपने एक पागल का रोल किया तो वहाँ जाके देखा लाइव, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया या खुद से ही क्रिएट किया सब कुछ। नहीं, इसको बस मैं खुद से ही सोच लेता था और उसको फिर मैं अपने अंदर उस कैफियत में चला जाता था। तो टैलेंट था आपके, वो एक फील अंदर से ले आता था कि हाँ भैया मैं वाकई में पागल हूँ, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं अपने आप के अंदर ये ऐसा फील करता था कि मैं हूँ पागल, तो फिर मैं उस क्वालिटी में चला जाता। मोहतरम, आप इतने अच्छे एक्टर हैं, हमने देख भी लिया, नाज़रीन ने भी देख लिया, तो कभी सोचा नहीं कि प्रोफेशनली इसको ज्वाइन किया जाए। फाइक सच्ची बात बताऊँ तो सोचा था इस बारे में कि मैं इसको ज्वाइन करूँ, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इस जज्बे के साथ साथ ही अपना टैलेंट को जिंदा भी रखूं। अच्छा फाइक, आपको पता है कि एक्टिंग के अलावा भी मोचे में बहुत सी क्वालिटीज हैं, कि डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, बेस्ट डिबेट के अवार्ड इनको बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, बेस्ट डिबेटर्स के, तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को पता है। जो एक अच्छा एक्टर होता है वो एक अच्छा डिबेटर भी बन सकता है, क्योंकि जब आप डिबेट कर रहे हैं, अपने अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं, तो ऑडियंस जो आपको सुन रही होती है उसके लिए भी आपको एक फील लानी पड़ती है, आपको वो अल्फाज के साथ साथ वो एक एक्टिंग की स्किल भी थोड़ी सी लानी पड़ती है, ताकि जो आपकी जो डिबेट है या जो आपकी अल्फाज हैं, जो अल्फाज अदा कर रहे हो, अल्फाज अदा कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे। तो डिबेट में अब तक सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी क्या थी? डिबेटिंग के हवाले से अचीवमेंट ये रही कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में बेस्ट डिबेटर डिक्लेयर हुआ, और सबसे बड़ी अचीवमेंट इलामा मोहम्मद इकबाल शील्ड कंपटीशन होता है HEC हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से, तो उसमें मैंने पार्ट लिया और उसमें मैंने नुमाया पोजीशन हासिल की। जबरदस्त, तो इससे बड़ा अवार्ड जो है वो मेरा ख्याल पाकिस्तान के डिबेटिंग सर्किट में कोई नहीं है। थैंक यू सो मच मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात और बहुत एंजॉय किया हमने। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का मॉर्निंग शो, नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमें YouTube पे सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसके अलावा आप लोग हमें Facebook, Twitter और Instagram पे फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अलहानी के बाद।